सिंध के शहीद महाराजा दाहिर खां पोए जदे अरबन सिंध ते कब्जो कयो त उनन जो दौर 340 भरे हलियो जेखां पोए सिंध जी असल रहाकू सूमरा खानदान वरी 1051 धारे अंबारियन खां सिंध जो वागू फुरे वरतियूं। सिंधी हुकूमत जो ही दौर लगभग 300 वरहन ताई हलियो। सूमरा कबीले जो असल तालुक सिंध जे राजपूत नसल सा आहे, पर मजहबी अकीदे तहत सूमरन के अलवी खानदान जे अरबी नसल में शुमार कयो वञे थो, जेको बिल्कुल गलत आहे। इते कुछ वक्त खां आम दस्तूर थी वयो हो त सबको माण्हू पाण खे ज़ोरी वञी करे अरबन मां शुमार कंदो हुयो, जंहिंजा ॿ कारण ही हुआ। एक त अरब घणो वक्त हितां जा हाकिम रहिया हुआ, बियो त हाणे माण्हुनि जी अक्सरियत मुसलमान थी वई हुई, जंहिं करे मज़हबी जज़्बे हेठि पाण खे अरब सॾाइण में फ़ख्रु महसूस कंदा हुआ। उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर त अरबन जा वॾा बदू ऐं बुत परस्त हुआ। सिंधन वॾा आर्या नसल मां राजपूत ऐं मुहज़िब हुआ। सिंध जे सूमरा कबीले जे दौरे हुकूमत सिंध लाइ अमन अमान, तहज़ीब ऐं तमंदुनि जो सबबु बणियो। सिंधन तख़्तगाह महमन तूर हो, जेको शाहपुर तालुके मीरपुर भठोरे में आहे। उन खां अलावा वॻे कोट ऐं रूपा माड़ी जा फिटल माग सिंधन अज़मतुनि जो ज़िंदा सबूत आहिनि। बदकिस्मती सां सिंध जे उन्हीं सुनहरीअ दौर जी पूरी तरह सां तारीख़ न लिखजी सघी आहे। मुख़्तलिफ़ तारीख़ुनि जा चंद टुकड़ा गॾु करे कुझु अहवाल मालूम करे सघजनि था। सूमरा कबीले जी हुबुल वतनी, हिमत, गैरत ऐं क़ौमी किरदारनि जूं रिवायतूं हर आम ऐं ख़ासि ज़बान ते आहिनि। ख़ासि करे दोदे टे जे जवान मर्दी, हिमत ऐं वतन दोस्ती हिन कबीले जो गाट ऊचो करे छॾियो। सिंध जी फतेह बाबति अरबन जी लिखियल तारीख़ी किताब चचनामे मूजिब दोदे सूमरे 1331 खां 1356 ताईं सिंध ते हुकूमत कई ऐं उन जे दौरे हुकूमत में ख़ानदानी इख़्तिलाफ़नि करे ॿाहिरियनि हाकमनि खे हमले आवर थियण जो मौक़ो मिलियो। उन इख़्तिलाफ़नि जे कारण बाबति ॾंद कथाउनि मां आम तरह हेठी आखाणी मशहूरु आहे। चवनि था त दोदे जी वालिद जी वफ़ात खां पोइ संदसि ॿ पुट गादी लाइ दावेदार हुआ, जिन में वॾो चनेसर ऐं नंढो दोदो हुयो। चनेसर धारी औरत मां हो ऐं दोदो ॾाॾे पोटरी मां हो। उन करे सूमरनि सरदारनि गॾु थी वॾे पुट जो हक़ रेटे दोदे खे गादी ते वेहारियो। उन फ़ैसिले तां चनेसर नाराज़ थी दहिली जे हाकमनि वटि वियो। आम मशहूरु उहो आहे त उन वक़्तु दहिली ते अलाउद्दीन खिलजी जी हुकूमत हुई। उन हिन जी दाह ॿुधी सिंध ते कब्ज़े करण जे ख़्याल खां संदसि सिपह सालार खान जे हथ हेठि वॾो कटक सिंध ते चाढ़े मोकिलियो। उन्हनि जे वॾे लश्कर सां चढ़ाई सिंध में काफ़ी ख़ौफ़ पैदा कंदड़ हुई। दिल्ली जे सिपह सालार वेझो अचण खां पोइ सिंध जे हाकिम दोदे आॾो ॿ शर्त रखिया, जिन जे मञण ते संदसि जान आजी थी सघी पई। पहिरियों शर्त उहो हुयो त दहिली जे हाकिम जो हुकुम मञी वॾे भाउ खे गादी ते विहारियो वञे। ॿियो शर्त उहो हुयो त संदसि भेण बाघुल जो बादशाह लाइ संग ॾिनो वञे, जंहिंखां पोइ हुन सभिनी सूमरनि सरदारनि खे गॾु करे संदन आॾो समूरो अहवाल पेश कयो। जन सलाह मशवरे खां पोइ गॾु थी उहो फ़ैसिलो कयो त इहे शर्त मञणु सिंध जी आज़ादी, नामूस ऐं कबीले जे रिवायतुनि जे ख़िलाफ़ आहिनि। जॾहिं उन्हनि उहो फ़ैसिलो कयो त खेनि उन फ़ैसिले जे नतीजे जी चङी रीति ख़बर हुई। हू सिर्फ़ लाड सिंध जे टुकड़े जा हाकिम हुआ, जिन वटि को मुक़ररु थियल लश्कर न हुयो। वधि में वधि 4 खां 5 हज़ार माण्हू लड़ाई लाइ गॾु करे सघिया थे, जिन खे हथियार फराहम करण बि ॾुखियो हुयो। होॾां दिल्ली जी हुकूमत जे 20,000 लश्कर घोड़नि, सुठनि हथियारनि ऐं तरबियत याफ़्ता सिपाहियुनि सां मुक़ाबिलो करणो हुयो। उहा ग़ैर मसावी ताक़तुनि जी लड़ाई हुई, खटण जो को बि इम्कान न हुयो, जंहिं करे हुननि पंहिंजा ॿार बच्चा ऐं औरतूं कच्छ में अबल अबड़े समय ॾे ॾियारे मोकिलियूं ऐं पाण मुड़ुसु थी मुक़ाबले लाइ तयारु थिया। हाणे उहो सवाल पैदा थिए थो त हिननि हालतुनि खां वाक़िफ़ हूंदे बि हुननि छो मौत खे मुंहुं ॾियणु क़बूलियो। उन जे जवाब खे उहे माण्हू सम्झी सघंदा
जे कौमन जे कौमी किरदार मां वाकफियत रखना हुंदा। उन वक्त सिंधी किरदारन में के खास खुसूसियतूं पैदा थी वयल हुयूं, जड़ोक हुबल वतनी, कौमी रिवायतुन जो लिहाज, कौमी गैरत, आज़ादी जी हवा ऐं इंसाफ। उन्हीं जा मिसाल उन्हीं जमाने जे आखाणियुन मां मिली सघन था जिनके शाह अब्दुल लतीफ हिचाई ऐं बियन शायरन असां ताईं पहुचाए छॾियो आहे। जीअं अमरकोट जे हाकिम उमर सूमरे मारू कबीले जी औरत मारही खे ज़ोरी आणे कोर्ट में बंदि करे उनखे राज़ी करण लाइ मुख़्तलिफ़ हीला हलाया, पर हुन न वतन विसारियो ऐं न ई मारुनि जी प्रीत छॾी। उमर सूमरे मारही खे राज़ी करण लाइ तरह तरह जा ताम आछिया, रेशम ऐं ज़रीअ जा वॻा ॾियणा कया, महलनि माड़ियुनि में रहायाई, पर हुन जो रूह न रीछो ऐं चयाई सजण ऐं साणीअ खे आणसी विसरे हैफ़तनि खे होए वतन जी विसारियो। या वरी इन मारुनि रीत जो सेण मटाइनि सोन ते अची उमर कोट में कंदियसि कान कुरीत पखंजी प्रीत माड़िन ऐं महलनि खां पुराणा पखड़ा वधीक प्यारा हुआ। सत नसुनि तामनि खां ॾुथ ऐं डोलावा वधीक प्यारा थिए लॻा। अहिड़ा ई किरदार उन दौर जे सिंधी किरदारनि जी साख भरिन था। जंहिं क़ौम जे मर्दनि ऐं औरतुनि जो अहिड़ो किरदारु हुजे, उन्हनि खे ख़ौफ़ ऐं लालच सिंधनि वतन जी मोहबत खां परे नथा करे सघनि। धारिन हाकमन जे आॾो झुकण खे पंहिंजे लाइ गार थी समुझाऊं, उन करे हुननि वतन जी इज़त, आज़ादी ऐं रिवायतुनि खे बरक़रार रखण ख़ातिर सिर ॾेई सरहो थियण खे तरजीह ॾिनी ऐं भाड़ी ऐं गेली हयातीअ खां इज़त जे मौत खे क़बूल कयो। उन जंग क़ौमी जंग जी सूरत अख़्तियार कई। उन जंग जे मैदान में सूमरनि सां गॾु सोढ़नि बि पाण मल्हायो, जिन में हासी सोढ़े जो नालो नुमायां नज़र अचे थो। उन जंग में मर्दनि सां गॾु औरतुनि बि पाण मल्हायो, जंहिं में उहो किरदारु बाघुल बाई जो हो, जंहिं समूरनि मर्दनि जे शहीद थियण खां पोइ औरतुनि खे मुनज़िम करे दुश्मन जी फ़ौज सां मुहाॾो अटकायो ऐं जॾहिं पंहिंजनि इज़तुनि खे ख़तरे में महसूसु कयाऊं त पाण खे दुश्मन जी फ़ौज हवाले करण बजाए बाहि में उछलाए छॾियाऊं। मथे ॼाणायल आखाणी ऐं हिकायत बाबति तारीख़दाननि जा मुख़्तलिफ़ राया आहिनि। कनि जो चवणु आहे त अलाउद्दीन खिलजी ऐं दोदो साॻे ज़माने में हुआ ई न, वग़ैरह वग़ैरह। जीअं त हिन घराणे जे दौरे हुकूमत जी मुस्तनद तारीख़ लिखी न वई आहे, उन करे तारीख़ी नुक़्ते निगाह खां उन बाबति पूरी हक़ीक़त मालूम करणु मुश्किल नज़र अचे पियो। पर हिन क़िसे जी हक़ीक़त हीअ बि आहे त ॿाहिरिन दहलीअ जे लश्कर सां विढ़ंदे दोदे सूमरे ख़ानदान ऐं क़बीले समेत क़ुर्बानी ॾिनी ऐं संदसि तख़्तगाह उजाड़ थी वियो। संदसि उन क़ुर्बानी अहले सिंध जे दिलनि ते अहिड़ो त असरु विधो जो अॼु ताईं ॻोठनि में भान ऐं भट उन जी कहाणी ॿुधाईंदा रहनि था।